खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। मंदिर के बाहर स्थानीय महिलाओं ने गीत गाए, लोक नृत्य के साथ कपाट खुलने का अवसर। आईटीबीपी के बैंड ने बजाई आरती की धुन, गढ़वाल स्काउट के छात्र भी मौजूद। मंदिर खुलने से ठीक पहले बर्फबारी, प्रकृति ने भी किया बाबा बद्रीनाथ का अभिनंदन। बद्रीनाथ धाम का किया गया गजब का श्रृंगार, 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा का दरबार। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए जारी है भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी, जद्दा पहुंचे 297 भारतीय। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्चुअल कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना, हमारा एजेंडा है आने वाले 25 सालों में देश को विकसित बनाना। केजरीवाल के बंगले को लेकर सियासी घमासान जारी, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को आज पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद। पंचतत्व में विलीन हुए प्रकाश सिंह बादल, पैतृक गांव लंबी में दी गई मुखाग्नि। बहुत कठिन समय दिन रात। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के खिलाड़ियों का धरना जारी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन कैद से रिहा, आनंद मोहन की रिहाई पर समर्थकों का निकला हुजूम। अतीक मामले में पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत, छापेमारी में मिली डायरी। डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले हजारों करोड़ के कारोबार की फहरिस्त शामिल, गुजरात मध्य प्रदेश मुंबई दिल्ली और राजस्थान तक कारोबार। गुजरात के सोमनाथ में सैन पोर्ट्रेट प्रदर्शनी का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे। भुवनेश्वर में G20 की तीसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की आयोजन, पारंपरिक नाच गानों के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। लेह में यूथ 20 कार्यक्रम में प्रतिनिधियों का पारंपरिक अंदाज में किया गया स्वागत, प्रतिनिधियों ने हेमिस मठ और थिक्से मठ का दौरा किया। आंध्र प्रदेश सरकार का छात्रों को करोड़ों का तोहफा, छात्रों के रहने और खाने का खर्च सीधे उनकी माताओं के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। श्रीनगर में रंगमंच कार्यशाला का आयोजन, कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कलाकार। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में एक बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आया, सड़क पर बंद की जा रही है आवाजाही। कैबिनेट ने हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान करते हुए नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को मंजूरी दे दी, अगले 5 साल में 1100 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ की हो जाएगी देसी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी लड़ाई के चलते अनाज और गैस की भारी किल्लत से जूझ रहा है सूडान, खाली नजर आ रहे हैं शहर। लंदन के मैडम टुसॉर म्यूजियम में ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्यों की लगाई गई मोम की मूर्तियां, 6 मई को होने जा रहे हैं किंग चार्ल्स के राज तिलक के मद्देनजर म्यूजियम की खास तैयारियां।